राम मंदिर मामले में मध्यस्थता से कोई निष्कर्ष नहीं निकलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 6 अगस्त से रोजाना सुनवाई का आदेश दिया था, जिसके बाद आज से खुले अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है। आज निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर मामले के लाइव प्रसारण की मांग को खारिज कर दिया। दशकों से लंबित पड़े राम मंदिर मामले का हल अब जल्द ही हो जाएगा, क्योंकि आज से इस मामले पर खुली अदालत में रोजाना सुनवाई शुरू हो गई है। आज सुनवाई के पहले दिन निर्मोही अखाड़े ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी दलील रखी। निर्मोही अखाड़े की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता सुनील जैन ने दावा किया कि ये ढांचा पूरी तरह से उसके अधिकार में ही है और वो इस क्षेत्र का प्रबंधन और अधिकार चाहते हैं। उन्होंने कहा कि इस ढांचे का भीतरी बरामदा और राम जन्म स्थान सैकड़ों साल से निर्मोही अखाड़े के पास है। इसके बाहरी बरामदे में स्थित सीता रसोई, चबूतरा, भंडार गृह हमारे पास है और ये कभी भी किसी मामले में विवाद का हिस्सा नहीं था। अखाड़े ने कहा कि 16 दिसंबर 1949 को आखिरी बार जन्मभूमि पर बनाई गई मस्जिद में नमाज पढ़ी गई थी। इसके बाद 1961 में वक्फ बोर्ड ने अपना दावा दाखिल किया था। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा था कि ट्रायल कोर्ट में जज ने कहा है कि मस्जिद से पहले किसी तरह के ढांचे का कोई सबूत नहीं है। इस पर निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि अगर उन्होंने इसे ढहा दिया तो इसका मतलब ये नहीं कि वहाँ पर कोई निर्माण नहीं होगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपको सबूत दिखाना पड़ेगा। निर्मोही अखाड़े के वकील ने कहा कि मुस्लिम कानून के तहत कोई भी व्यक्ति जमीन पर कब्जे की वैध अनुमति के बिना दूसरे की जमीन पर मस्जिद निर्माण नहीं कर सकता है। ऐसे में जबरन कब्जाई गई जमीन पर बनाई गई मस्जिद गैर इस्लामिक है और वहाँ पर अदा की गई नमाज कबूल नहीं होती है। इन अपीलों पर चल रही सुनवाई के दौरान पीठ के सदस्यों और एक मुस्लिम पक्षकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई। इस पर सीजेआई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की पीठ ने राजीव धवन को न्यायालय की गरिमा बनाए रखने को कहा। वहीं अब इस मामले की अगली सुनवाई कल की जाएगी। डीबी लाइव की रिपोर्ट।